दोस्तों इस वीडियो में आइए भारत के सबसे बड़े फिजियोग्राफिक डिवीजन को एक्सप्लोर करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटी ऑफ इंडिया सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया में 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसके एवरेज एलिवेशन हाइट 600 टू 900 मीटर के बीच की है। इसे तीन अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, द सेंट्रल हाईलैंड्स, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित सेंट्रल हाईलैंड्स में छोटे छोटे प्लेट्यूज जैसे मलबा प्लेट्यू, बुंदेलखंड और बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और माउंटेन एंड हिल रेंजेस जैसे सातपुड़ा, विंध्य, अरावली और राजमहल हिल शामिल है। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में बसा हुआ है। इसे तीन भागों में बांटा गया है जो है द डेक्कन ट्रैप, द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में एक दूसरे से मिलते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस रीजन की कुछ प्रमुख नदियां हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंडेड हिस्सा है जो मेघालय में रहने वाले ट्राइबल्स के नामों के आधार पर तीन भागों में विभाजित है, गारो, खासी और जंतिया हिल्स।